in this section i'll explain what is market price to book ratio so as the name specifies we have to take into account the values of the market price of a certain stock or a share and then we compare that with the book ratio or the book value of that particular stock so we calculate the ratio by dividing the market price to and uh, by the book value and this is how we get this market price to book ratio so if we look into the details companies use this particular ratio to compare a firm's market to book value by dividing the price per share by book value per share which is abbreviated as BVPS. and the asset's book value is, um, is simply the carrying value on the balance sheet your balance sheet ke upar, abne koi bhi stock key मुतन की हुई है लिखी हुई है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं और कंपनीज जो हैं वो अपने एक्यूमलेटिड डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करके ओवरऑल जो पूरी एसेट की वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल के उस उस पर्टिकुलर बुक वैल्यू को का एनालिसिस करते हैं या डिटर्मिन करते हैं नाउ बुक वैल्यू इज ऑल्सो द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ कंपनी कैलकुलेटेड एज द टोटल एसेट्स जिसमें से आपने इनटेंजेबल एसेट्स को माइनस कर दिया है अब सवाल पैदा होता है इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में हम पेटेंट्स को गुडविल ऑफ़ द कंपनी को अकाउंट फॉर करते हैं एंड देन यू हैव टू कंसिडर द लाइबिलिटीजो इनिशियल आउटले ऑफ द इन्वेस्टमेंट के लिए बुक वैल्यू मे बी नेट और ग्रॉस ऑफ एक्सपेंसेज सो एक्सपेंसिस को आप नेट भी कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं या यू कैन कीप द एक्सपेंसिस एंड देन यू हैव टू कंसिडर द ट्रेडिंग कॉस्ट सेल्स टैक्स सर्विस चार्जेस ये तमाम चीज़ों को आप अकाउंट फॉर करके अपने ओवरऑल मार्केट जो बुक वैल्यू है उसकी वैल्यू को रिटर्मिन करते हैं नाउ सम पीपल मे नो दिस रेशो बाई इट्स लेस कॉमन नेम विच इज़ प्राइस टू एक्विटी रेशो तो मार्केट प्राइस टू बुक रेशो का एक और जो नाम इस्तेमाल होता है जो कि इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है दैट इज़ प्राइस टू एक्विटी रेशो एंड इफ यू लुक एट द फॉमूला ऑफ मार्केट प्राइस टू बुक रेशो तो आपको प्राइस एक्विटी रेशो या मार्केट प्राइस टू बुक रेशो को निकालने के लिए न्यूमिनेटर में रखना है मार्केट प्राइस पर शेयर को और डी में हम कंसिडर करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर को और वहाँ से आपको वैल्यू निकल के आएगी और इफ़ द वैल्यू द द वैल्यू ऑफ़ द मार्केट प्राइस टू बुक रेशो इज़ ग्रेटर देन वन तो इसका मतलब ये है कि जो उसका वैल्यू है बुक्स के अकॉर्डिंगली दैट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू जो उसकी एक्सेस डिमांड ने उसका जो प्राइस इनक्रीज़ कर दिया मार्केट में वो ज़्यादा है इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसको ज़्यादा डिमांड करें हैं या उस पर्टिकुलर स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं जिसकी वजह से ऑल दो जो उसकी असल कीमत है जो उसके वैल्यू को रिप्रजेंट करती है वो कम है मगर जो डिमांड के बढ़ जाने की वजह से मार्केट में उसकी जो कीमत है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है and that this is this is what it is indicating but if the two values are equal to one another then the market price to book ratio will become one and if market price is low book ratio which is written in the books the uh, um, actual value stock is low and that is higher and the market price is large smaller. So then naturally the मार्केट प्राइस टू बुक रेशियो विल भी स्मॉलर दैन वन एंड इट इज़ इंडिकेटिंग दैट ऑल दो इट कैरीज हायर वैल्यू बट बिकॉज ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्शन और बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंसेज ऑफ द इन्वेस्टर्स इसकी जो मार्केट की प्राइस है वो कम है तो इसका मतलब ये है कि अगर जो एक्चुअल जो उसका वैल्यू है वो हायर है तो देर में बी अ चांस दैट इट विल पिक अप लेटर इन द स्टॉक मार्केट के उसका जो मार्केट का प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएगा